हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अशोक पंचोली। एंड आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी 2024 की जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग। तो देखिएगा, इसमें हमारे पास में दो टॉपिक्स में रिगार्डिंग हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा सीट इंटेक को लेकर के होगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। और ये जो सीट इंटेक का शेड्यूल है ये रिवाइज्ड शेड्यूल आया है, तो इसमें कुछ कॉलेजेस ऐड हुई हैं और कुछ कॉलेजेस जो थे उनकी सीट्स कम हुई है, ठीक है। एंड हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर के हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस में कितनी रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिला था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के अंदर उनका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कितना था। वो 22 और 23 सेशन के जो कट ऑफ थी उसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीट इंटेक को लेकर के। जो अभी रिवाइज सीट इंटेक हुआ है 24 का, तो देखिएगा सबसे पहले जो कोर्स है BPO, ठीक है। BPO के अंदर हमारे पास में सबसे पहला जो कॉलेज है वो आ जाता है VMMC एंड SGH वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर जो कॉलेज जो यहाँ पे हमारे पास में इंटेक है वो 16 का है और कोई भी MQ मतलब होता है मैनेजमेंट कोटा, कोई भी नहीं है। दूसरा हमारे पास में आता है BPO कोर्स को लेकर के ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलेशन। तो देखिएगा इसमें सेट इंटेक है 24 सेशन में 13 एंड इसके अंदर भी कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ठीक है। अगर है तो इन्होंने अभी यहाँ पे शो नहीं करा है। दूसरा जो हमारे पास में कोर्स आता है BSLP, तो इसके अंदर जो कॉलेज है वो एक ही कॉलेज है, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो इसका जो सीट इंटेक है वो 25 का है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं POT कोर्स के लिए हमारे पास में इंस्टीट्यूट है ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलेशन एंड इसके अंदर जो सीट है वो 13 है। नेक्स्ट हमारे पास में वापस से कोर्स आता है BPT। BPT की दो कॉलेजेस हैं। काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि सर BPT की कॉलेजेस कितनी हैं, काउंसलिंग हमारे पास में दो ही कॉलेज हो रहे हैं। तो अभी जो रिवाइज शेड्यूल आया है IPO का उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने दो ही कॉलेज बताए हैं। एक इन्होंने बताया ISIC और दूसरा इन्होंने बोला है बनारसीदास चांदनी वाला। तो देखिएगा दोनों की जो सीट इनटेक है वो 50 है ISIC का और 60 है बनारसीदास चांदनी वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में CET 124 जो हमारा अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसका देखिएगा कोर्स आता है BSc MLT। तो इसका इन्होंने अभी एक कॉलेज ऐड कराया है सेंट स्टीफन कॉलेज करके, तो इन्होंने इसमें सीट इनटेक बोला है 10 एंड VMMC में सीट इनटेक है 25 और होली फैमिली के अंदर इन्होंने सीट इनटेक बोला 10, ठीक है। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदूराव इन्होंने शो नहीं करा है एंड जो होली फैमिली है इसके अंदर मैनेजमेंट कोटे की सीट एक सीट है, ठीक है। तो हमारा सीट इंटेक का था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट करके आता है कि आपके पास में जो सीट्स हैं, जिस मान लीजिए कोई भी MQ सीट है, तो वो आप ब्रोशर देखेंगे तो उन्होंने मेंशन करा है कि वो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट कोटे की जो सीट होती है वो फिल करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नोट में इन्होंने यही मेंशन करा है। दूसरा टॉपिक है इसका, उसमें हम लोग बात करेंगे कि भैया कितनी कट ऑफ पे, यानी कि कितनी लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की। तो देखिए जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे एंड आप IPO की साइट पे जाकर के देखेंगे तो आपको ये वाला PDF देखने को मिलेगा। बट इस वाले PDF में क्या है कि इन्होंने मेंशन तो करा है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में इन्होंने मेंशन करा है कि ओपनिंग रैंक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को इन्होंने शॉर्ट टर्म में लिखा है। तो आप इसको पढ़ लोगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा। तो हमने यही जो PDFs हैं सारे round 1, round 2, 22 सेशन का, ठीक है, एंड round 1, round 2, 23 सेशन का, तो सारी जितनी भी PDFs को हम लोगों ने कंपाइल करके खुद की PDFs बनाई, तो हम लोग उसी स्लाइड पे मूव करते हैं। उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, ठीक है। तो देखिएगा ये हम लोगों ने खुद के जो PDFs हम लोगों ने कंपाइल करे थे उनको हम लोगों ने अभी ओपन कर लिया है एंड एक बार मैं आपको पूरा इसका दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से कट ऑफ बनाई है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के हम लोगों ने यहाँ पे कट ऑफ मेंशन करी है, जो भी कॉलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड कोर्सेज को हम लोगों ने इसमें सेपरेट किया है, ठीक है। तो देखिएगा पूरा आप लोग हम लोग इसके पूरे के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अलियावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ का। तो इसके अंदर देखिएगा हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो BSLP है एंड इसमें देखिएगा कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया OBC का जो ओपनिंग रैंक था 273 एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो 417। उसके बाद में ऑल इंडिया EWS की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 495 ओपनिंग रैंक था राउंड वन का एंड 540 जो था क्लोजिंग रैंक था राउंड वन का। उसी की तरह ऑल इंडिया जनरल की मैं बात करता हूँ तो 105 यहाँ पे ओपनिंग रैंक था एंड 257 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक था राउंड वन फॉर BSLP कोर्स, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राउंड टू का। तो देखिएगा, ऑल इंडिया ओबीसी, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस एंड ऑल इंडिया जनरल, यहाँ पे तीन ही कैटेगरी की सीट्स बची थी राउंड टू में। तो देखिएगा, हम लोग ये बात कर रहे हैं 22 सेशन के लिए, 23 सेशन के लिए भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो अभी देखिएगा, 568 जो था ऑल इंडिया ओबीसी का ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग रैंक 774। उसके बाद में ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस के लिए 610 ओपनिंग रैंक है, 629 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में ऑल इंडिया जनरल की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 274 ओपनिंग रैंक है और 325 जो है क्लोजिंग रैंक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसी रैंक में लाई कर रहे हैं, तो वो अपना एक कोर्स चूज़ कर लीजिए बीएसएलबी में। यहाँ पे इस रैंक पे ये कॉलेज मिल रहा था राउंड वन में और राउंड टू में 2022 सेशन में। तो देखिएगा, राउंड वन में हम लोग बात करते हैं बनारसी दास चांदनी वाला जो फिजियोथेरेपी था उसके लिए। तो दिल्ली जनरल में 40 इसका ओपनिंग रैंक है एंड 322 क्लोजिंग रैंक है। उसी के बाद में आउटसाइड दिल्ली जनरल में 61 ओपनिंग रैंक है, 278 क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, दिल्ली एससी की हम लोग बात करते हैं, 340 ओपनिंग है, 649 क्लोजिंग है। आउटसाइड दिल्ली एससी की मैं बात करता हूँ, 742 पे ओपनिंग, 742 पे ही क्लोज हो गया, यानी कि एक ही सीट फिल हुआ है। आउटसाइड दिल्ली डिफेंस की मैं बात करता हूँ, 315 यहाँ पे ओपनिंग है और 315 ही क्लोजिंग, यानी कि एक ही सीट फिल हुआ है राउंड वन में आउटसाइड दिल्ली डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे बनारसी दास चांदनी वाला में राउंड टू का। तो राउंड टू में हमारे पास में तीन ही कैटेगरी की सीटें बची हुई थी, दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली जनरल और दिल्ली एससी। दिल्ली जनरल की मैं बात करता हूँ, 324 ओपनिंग है, 436 क्लोजिंग है। आउटसाइड दिल्ली जनरल की हम लोग बात करते हैं, 275 ओपनिंग है, 430 यहाँ पे क्लोजिंग है। दिल्ली एससी ओपनिंग रैंक 447, 698 क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बीपीटी के लिए जो दूसरा कॉलेज है, ये भी काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, आईएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलेशन साइंस। तो देखिएगा, इसकी कट ऑफ और जो कट ऑफ लिस्ट है राउंड वन और राउंड टू का, तो देखिएगा कट ऑफ हम लोग राउंड वन की बात करते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली जनरल की देखिएगा, इसमें दिल्ली जनरल में 126 पे ओपनिंग था राउंड वन में, 372 पे क्लोजिंग था। उसके बाद में आउटसाइड दिल्ली जनरल में 391 ओपनिंग, 430 क्लोजिंग। ऑल इंडिया ओबीसी की मैं बात करता हूँ, 136 पे पहला कॉलेज मिला है इसमें पहला, एंड 392 क्लोजिंग है। ठीक है, दिल्ली एससी में 471 एंड 648 क्लोजिंग। उसके बाद में आउटसाइड दिल्ली एससी की हम लोग बात करते हैं, 389 ओपनिंग है, 389 पे ही क्लोजिंग है। उसके बाद में दिल्ली डिफेंस की मैं बात करता हूँ, तो 470 ओपनिंग है, 470 पे ही क्लोज है। दिल्ली एसटी की बात करते हैं, 794 पे ओपनिंग, 794 पे क्लोजिंग, यानी कि एक ही सीट है। ये राउंड वन की बात हो गई। अभी बात करते हैं हम लोग राउंड टू का। तो देखिएगा, राउंड टू में आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये वापस हमारे पास में तीन ही कैटेगरी की सीट्स बची हुई है, दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली जनरल एंड दिल्ली एससी। दिल्ली जनरल में आप लोग देखेंगे 408 पे ओपनिंग है, 598 पे क्लोजिंग है। आउटसाइड दिल्ली जनरल में 403 पे ओपनिंग है, 494 पे क्लोजिंग है। उसके बाद में दिल्ली एससी की हम लोग बात करते हैं, 612 यानी कि 612 पे ओपनिंग है और 780 पे क्लोजिंग हुआ है। ये हमारा राउंड टू ख़त्म होता है फॉर हमारा सेशन 22 के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा बीपीटी कोर्स की जो कट ऑफ थी उसके हम लोगों ने सारा डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बीएससी एमएलटी जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जो कॉलेज आता है हिंदूराव कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, हिंदूराव हॉस्पिटल। तो देखिएगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसमें बीएससी एमएलटी, अब आप लोगों ने अगर याद हो आप लोगों को, तो 2022 में जो राउंड फर्स्ट हुआ था उसमें एमएलटी नहीं था, राउंड टू में वो आया था। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे राउंड टू की कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो देखिएगा, दिल्ली जनरल की जो ओपनिंग रैंक थी 342 पे बीएससी एमएलटी मिला था और क्लोजिंग 510। नेक्स्ट आउटसाइड दिल्ली जनरल में 496 ओपनिंग रैंक था और 728 जो था वो क्लोजिंग रैंक था। दिल्ली एससी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 754 पे ओपनिंग, 754 पे ही क्लोजिंग। बीएससी एमएलटी में हमारा जो दूसरा कॉलेज आता है वीएमएमसी एंड एसजीएच वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो देखिएगा, वही राउंड वन में बीएससी एमएलटी था नहीं। बात करते हैं राउंड टू का। तो देखिएगा, यहाँ पे ऑल इंडिया ओबीसी का जो ओपनिंग रैंक था 644 और क्लोजिंग 734। ऑल इंडिया एसटी का 765 ओपनिंग रैंक था, 792 जो था क्लोजिंग। ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस 331 ओपनिंग, 331 ही क्लोजिंग। ऑल इंडिया जनरल 21 ओपनिंग था, 299 क्लोजिंग था।
ऑल इंडिया एससी की मैं बात करता हूँ, 523 ओपनिंग और 523 ही क्लोजिंग। यह हमारा हो गया बीएससी एमएलटी कोर्स के लिए 2022 सेशन की कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था फॉर बीएससी एमएलटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बीपीओ कोर्स के लिए, तो बीपीओ में हमारे पास में है वीएमएमसी एंड एसजीएच। तो देखिएगा राउंड वन एंड राउंड टू दोनों राउंड्स में ये कोर्स अवेलेबल था, तो राउंड वन के कट ऑफ एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा ऑल इंडिया जनरल, जिसको OPNOAI भी बोलते हैं, आप चेक करेंगे उसमें, तो 51 ओपनिंग था, 101 क्लोजिंग था। ऑल इंडिया EWS की मैं बात करता हूँ, 148 ओपनिंग, 261 क्लोजिंग। ऑल इंडिया एसटी की मैं बात करता हूँ, 792 ओपनिंग, 792 क्लोजिंग। ऑल इंडिया एससी की 899 ओपनिंग था, 208 क्लोजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया डिफेंस का, 401 ओपनिंग था और 401 पे ही क्लोज हो गई थी सीट, ठीक है। राउंड टू की मैं बात करता हूँ यहाँ पे बीपीओ कोर्स के लिए, तो देखिएगा ऑल इंडिया जनरल में 24 ओपनिंग था एंड 148 क्लोजिंग था बीपीओ में। नेक्स्ट ऑल इंडिया EWS की बात करते हैं, 697 ओपनिंग था, 697 पे ही क्लोज हो गया था। ऑल इंडिया एससी में 422 ओपनिंग, 422 ही क्लोज हो गया था, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करा है राउंड वन का और राउंड टू का 22 सेशन के लिए। इसी में हम लोग बात करने वाले हैं अब राउंड टू एंड राउंड वन सेशन 423 सेशन। तो देखिएगा मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हम लोगों ने इसका पूरा डिस्कशन कर लिया है, आप लोग अगर इसका चेक करेंगे तो, ठीक है। तो देखिएगा हमने अभी जो ऊपर जितना भी डिस्कशन किया था वो 23 सेशन की कट ऑफ थी, तो उसमें हमारे से छोटे से मिस्टेक हो गए, हमने उसमें 22 बोला है। तो वो देखिएगा जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन कराया वो 23-24 सेशन के लिए था। बात करते हैं यहाँ पे वापस से राउंड टू का 22-23 सेशन के लिए। तो देखिएगा एक बार जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स में इन्होंने मेंशन करा है सारी कैटेगरीज, जिनको एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से है, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा जब भी मैं रैंक बोलूँगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो ऑल इंडिया ओबीसी है, सेकंड पे जो है ऑल इंडिया EWS है, थर्ड पे जो है ऑल इंडिया जनरल, फोर्थ पे जो है ऑल इंडिया एससी है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो दिल्ली जनरल है, उसके बाद में दिल्ली एससी है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आउटसाइड दिल्ली जनरल, एंड जो लास्ट वन है वो है आउटसाइड दिल्ली एससी, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग ये वापस इनको डिक्टेट नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर रैंक्स है उसमें कोर्स वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अली आवर जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए, उसमें जो बीएसएलपी कोर्स है 361 मिनिमम रैंक था और 537 जो था मैक्सिमम रैंक था, किसके लिए ऑल इंडिया ओबीसी के लिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इसको, एंड ऑल इंडिया EWS में मैं बात करता हूँ 29 मिनिमम रैंक था, 229 एंड 563 जो था मैक्सिमम, यानी कि क्लोजिंग रैंक थी राउंड टू में, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं देखिएगा मिनिमम जो रैंक था वो 11 था एंड मैक्सिमम रैंक था 160 ऑल इंडिया EWS में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया एससी का, तो 281 जो था मिनिमम था एंड 435 मैक्सिमम था। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली कोटे की कोई भी सीट नहीं थी बीएसएलपी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बनारसी दास चांदनी वाला, बनारसी दास चांदनी वाले में ऑल इंडिया की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी सीट्स हैं वो दिल्ली वाले में हैं। तो सबसे मिनिमम रैंक जो था 8, मैक्सिमम रैंक 312 इसका मैक्सिमम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली एससी में, 414 मिनिमम रैंक था, 875 मैक्सिमम रैंक था, मिनिमम रैंक जो था 40 एंड मैक्सिमम रैंक 210। नेक्स्ट में लास्ट जो हमने बात करी थी आउटसाइड दिल्ली एससी, तो इसमें देखिएगा 450 जो था वो मिनिमम रैंक था और 450 पे ही क्लोजिंग, यानी कि मैक्सिमम रैंक था, यहाँ पे ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो कोर्स आता है BOT एंड इसका इंस्टीट्यूट है ISIS इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलेशन। तो देखिएगा इसमें भी आप लोग चेक करेंगे ऑल इंडिया की कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली कोटे में, तो स्टार्टिंग रैंक 172 मिनिमम, 394 मैक्सिमम। नेक्स्ट में मिनिमम 5160 एंड 886 इसका मैक्सिमम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली जनरल में, 210 इसका मिनिमम है और 313 मैक्सिमम है। आउटसाइड दिल्ली एससी की कोई सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीपीटी कोर्स के लिए ISIC, तो देखिएगा वापस से ऑल इंडिया में कोई सीट नहीं है। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि दिल्ली जनरल की जो स्टार्टिंग ओपनिंग थी यहाँ पे 89 था और मैक्सिमम जो रैंक था 341। नेक्स्ट 409 मिनिमम है, 893 मैक्सिमम है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आउटसाइड दिल्ली जनरल में वो 112 यानी कि 112 मिनिमम है, मैक्सिमम जो है 304। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम रैंक जो है आउटसाइड दिल्ली एससी में 570
एंड मैक्सिमम 570 एक ही सीट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे BPO, वही ISIS इंस्टीट्यूट के लिए ऑल इंडिया की कोई सीट फिर से नहीं है। एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दिल्ली जनरल में 129 मिनिमम है, 424 424 मैक्सिमम है मिनिमम। वापस से बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली SC में तो 887 मिनिमम है और 887 पे ही मैक्सिमम, यानी कि एक ही सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट आउटसाइड दिल्ली जनरल की बात करते हैं यहाँ पे 311 मिनिमम है और 317 मैक्सिमम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे BPO कोर्स है VMMC एंड SGS वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज, तो देखिएगा इसमें ऑल इंडिया की ऑल इंडिया कोटे से ही सीट्स फिल हुई है यहाँ पे। तो देखिएगा ऑल इंडिया OBC का स्टार्टिंग रैंक 179 और क्लोजिंग रैंक है 388, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ऑल इंडिया OBC खत्म, ऑल इंडिया EWS की बात करते हैं 560 जो था मिनिमम था 560 पे ही क्लोजिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया जनरल में तो मिनिमम रैंक 42 है, मैक्सिमम है 119 119। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया SC का 282 मिनिमम है और 298 मैक्सिमम है। तो हमारा ये जो जितना भी एनालिसिस था ये आप लोग यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस 2 साल के कट ऑफ में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है और सीट इनटेक के बारे में हम लोगों ने इस वाले वीडियो में डिस्कशन किया। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू सो मच।